सर की ये मॉम है गाइस, ये आप देख सकते हो। इनके साथ एक सीन हुआ है और तो ये अभी सीन ये सर शेयर करेंगे। अभी मैं अभी ना कुरान फाड़ने वाला हूँ। क्यों मेरी फाड़ रहे हो? मैं इसी पढ़ चुकी हूँ। गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। स्टार्ट करने के पहले बोल देता हूँ, मम्मी यहाँ पे कपड़े सुखा रही है। ये जो स्टैंड गाइस ये ऊपर जाता है और वहाँ पे लटक जाता है और मम्मी फिर कुछ नहीं सुखा रही। और क्या तो पापा यहाँ पे कर रहे शायद कुछ कर रहे होंगे, पता नहीं। पापा ने वैसे बाल क्यों काटे? पूछो, बाल क्यों काटे आपने? अस्थि दिया था गाइस। ये देखो यहाँ पे पिताजी की अस्थि है, तो उनको दिया था कुंभकेश्वर में। हाँ, अस्थि बहा दी देवगढ़ में। ठीक है, चल मॉम, जो मम्मी, चल गाइस, बाय बाय। आज क्या पता गाइस, घर में पानी नहीं है तो मैं तो बिना नहाए निकला वैसे, क्योंकि पता नहीं दो दिन से पानी नहीं आ रहा है। शाम को आ रहा है, पर शाम को भी एकदम वो लिमिटेड ही छोड़ रहा है, हाफ एन आवर। तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हाफ एन आवर में किसके पास ही पानी आएगा? टंकी फुल नहीं होगी तो मतलब क्या? तो वैसा सीन हो गया। तो अभी कुछ नहीं, स्टूडियो जाते हैं। तो मम्मी आज आएगी स्टूडियो पे, उनके साथ वगैरह खाना वगैरह खाएंगे दोपहर में। और स्टूडियो में वैसे लायन टैटू है तो लायन टैटू बनाएंगे। और क्या, आज थोड़ा ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं रहेंगे तो फिर क्या, बाहर घूम सकते हैं, पर मुश्किल है मेरे लिए बाहर घूमना। हे क्यूटी फाय, इसका नाम क्या है? डैनी। डैनी कितना क्यूट है यार। गणेश ने गाड़ी की हालत क्या कर दी, देख पूरा। सिर्फ दो दिन ना गाइस, दो दिन से मस्ती की, जब नया लिया था सिर्फ दो दिन अच्छे से सर्विस किया, उसके बाद कभी सर्विस करता ही नहीं। चल मेरे भाई, व्हाट्स अप गाइस, कैसे मेरे भाई लोग? मैं थोड़ा गाड़ी में सो के बात करता हूँ। कैसे मेरे भाई लोग? मैं ये बोल रहा था, मैं स्टूडियो आ चुका हूँ, स्टूडियो पहुँच चुका हूँ और कुछ नहीं, देखते हैं क्या अपॉइंटमेंट चालू है। सर भी आ चुके हैं, जाके अंदर देखते हैं। आज गाड़ी पे सोना, वो इतना गर्मी लग रहा है ना, क्या पता इतना मुंबई में इतना गर्मी लग रहा ना, ऐसा लगता है गाड़ी में भी एसी लगा दो, गाड़ी में भी इतना गर्म हो रहा है मेरे को। ये देखो, चलो अभी जाते हैं अंदर स्टूडियो में, देखते हैं सर आ चुके हैं, देखते हैं क्या चालू है काम। जाते हैं मुझता चाटू स्टूडियो। ये पटा, हाँ विशाल भाई, कैसा है मेरा भाई? विशाल को अड़ाई, मेरे को अड़ाई। ओके ओके सर, आप कहाँ से हो? बतलापुर। आप कौन सा ऐडू कर रहे हो? आप कौन सा ऐडू कर रहे हो? लियो का ऐडू कर रहा हूँ। ये पटा चालू करने जा रहे सर का। ओनली खाली दो ही टैटू है जो आपको मिले, एक लायन एक पोर्ट्रेट है। अकेले अकेले कैडबरी खा रहे को, अरे कैडबरी खा रहे, वो खा रहा है, इतना बड़ा पैड खा रहा लग रहा है, इतना बड़ा कैडबरी बहुत सारा। सचुल किससे मार के छीना? घर के बाहर होगा रात को, अभी तो देखना मुझे ये बातें। इसको 5 घंटे लगने वाले और ये लायन टाटू जो है, इसे लायन टाटू गाइस ये बनाने वाले हैं। मेरे पापा ही बनाएंगे, पापा ना रहे तो ये लायन टाटू मुझे बनाना है गाइस, तो मजा आने वाला है। तो आप देखो, बहुत जन मुझे बोलते हैं कि यार ऐसे हेयरी वाले टाटू कैसे बनाते हो, मतलब बाल वाले ज्यादा, तो देखते रहो साइड बाय साइड, आपको पता चलेगा। सर वैसे मेरा कहाँ पे देगा? यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब डेली ब्लॉग। अरे वाह। आपने इनफेक्ट इंस्टा पे तो अपलोड करना ही बंद कर दिया है। अपलोड करना बंद कर दिया? इंस्टा पे कहाँ पे आ रहा है डेली इंस्टा अपलोड हो रहे? अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? सर डिलीट कर दिया इसलिए, ऐसा लग रहा है सर अपडेट किया ना। यूट्यूब पे आते रहता है हमारा, यूट्यूब पे 7 बजे टाइमिंग सीरियल अपना, एकदम टीवी में आएगा। 4 दिवस 7 बजे सीरियल, हमारा 7 बजे का सीरियल आता है, वो देखते रहना हमेशा।
जस्ट अभी मैंने एक ब्रेक ले लिया सर, वैसे भी अभी मैगडी जा रहे हैं क्योंकि मैगडी में अभी सर को वैसे भूख लगी, अभी क्या कर सकते राइट। तो सर ने बोला कि मुझको सैंडविच नहीं खाना है, मैं थोड़ा सा वक्त चाहिए मेरे को, 15-20 मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। तो सर चले गए बाहर पे, बाहर ही जाएंगे शायद। तो बेटर देन कि मैं वो 15-20 मिनट में मैं सर का लाडू स्टार्ट करूँ। सर का वैसे, सर कहाँ से आप? सर राजस्थान। राजस्थान से आए सर, तो सर का भी वो टैटू स्टार्ट करना है मेरे को उनका। किसका पोर्ट्रेट है सर? पापा का मीन्स गुरु, ओके गॉडफादर भी है। हाँ, तो सर के गॉडफादर का भी फेस बनाने वाले, तो उसके बाद वन मोर टैटू, वो भी टैटू स्टार्ट करने है, उनकी मम्मी का फेस बनाना है। तो उनकी भी स्टोरी एक अलग है गाइस, तो मैं वो शेयर करूंगा, बट जब उनका टाइम, जब टैटू का आएगा ना उस टाइम पे, तो बहुत आज वैसे टैटू सारे इंटरेस्टिंग है। तो गाइस आप देखते रहना, सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर की, तो देखते रहो एंड तक। फाइनली सर का लाडू कंप्लीट हो चुका है, एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखाया था गाइस। सो फर्स्ट मैं सर का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि सर का रिएक्शन कैसे है लाडू के लिए। सो एक बार सर देख लेना मिरर में कैसे लगा, प्लीज बताना मेरे को। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों की बारी, आप लोगों को दिखा देता हूँ। सी दिस पोर्ट्रेट गाइस, see the detailing, sir कैसा लगा आपको? अरे सर जी बहुत बड़ा मजा आ गया सर, बहुत खुश एकदम, हैप्पी हो ना सर आप? अरे बहुत बढ़िया, मॉम डैड का करवाना है, नेक्स्ट टाइम वो करवाएंगे अभी। ओके मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सो गाइस, फाइनली आज पोर्ट्रेट टैटू कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टैटू था। सर के रिएक्शन भी देख लिया, कितने फनी थे, है ना, अच्छे भी थे, है ना। तो वनमो अभी सर भी आ चुके हैं, सर का लायन टैटू पता है, भूत तो नहीं गया ना, लायन टैटू बाकी था अपना, तो लायन टैटू अभी स्टार्ट करेंगे। सर ने हमारे लिए पॉपकॉर्न लेके आए थे, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, खा लिया सबने, खा लिया आधा आधा। सो अभी यहाँ पे सर का जो लायन टैटू का सेटअप लगेगा, वहाँ पे बहुत सारे अगर कंसल्टेशन चल रहे हैं, तो उनका जैसे जैसे टैटू खत्म हो जाएंगे, मतलब कंसल्टेशन खत्म हो जाएंगे, तो वैसे डिजाइन यहाँ पे आएगी, हम टैटू स्टार्ट करेंगे। और सर का अभी यहाँ पे पोर्ट्रेट है, तो मम्मी का तो वो भी स्टार्ट करना है मेरे को। सो फर्स्ट लायन टैटू के ऊपर गौर करते हैं। वन मोर टाइम आज लाइन ब्रेक, लाइन का टाटू का ब्रेक ले लिया है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग है। एंड देन सर का वैसे भी एक नेम चाहिए, तो वो रितिका बनाएगी मेरे पास एज अ फीमेल टाटू आर्टिस्ट है ये वाली, तो ये बनाएगी उनका नेम। एंड देन अभी तक आप देख सकते हो यहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है, ये वाला जो पार्ट है मैंने ये अपने हिसाब से बना रहा हूँ, बाकी ये वाला पार्ट जो ऊपर है गाइस ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे नेम आएगा दिस पार्ट, तो ये पटान है, तो ओवरऑल ऐसा एकदम लुक थ्री, तो ये बहुत प्यार से बनाने वाला, मतलब सब टैटू प्यार से ही बनाता हूँ, बट आई पेन हो रहा है भाई, ओके क्या कर सकते हैं ना। तो कुछ नहीं, अच्छा वन मोर टैटू जो मैं बोल रहा था, ऐसा पोर्ट्रेट टैटू इनके पास जो है मॉम का, मतलब सर का, सर के मॉम का टैटू है, तो वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से रुके, 3-4 घंटे हो गए। और अरे भाई सेटअप लगा देगा भाई, सर का स्टार्ट करेंगे क्या पोर्ट्रेट। चलो तो यहाँ पे एकदम छोटी मैम बोल सकते हैं। अरे आज घर में पानी नहीं था, बोल दिया ना घर में पानी नहीं था, तो नहाया नहीं, ब्रश भी नहीं किया। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही लायन टैटू की वजह से क्या हो रहा था मालूम है, सर के लायन टैटू की वजह से ना बहुत सारे टैटूज अपॉइंटमेंट्स रुक गए थे, आप लोगों ने देखा कि मतलब स्टक हो गया था, सबको मेरे से करना है, मेरी क्या गलती है भाई अभी, है ना।
तो मेरे से करना सारे पोर्ट्रेट नेम टैटूज वगैरह ही मेरे से करने पड़ते हैं उन लोगों को। तो अभी सर अपने सब जन अपने लिए रुकते हैं अंडरस्टैंडिंग में, तो इसकी वजह से मैं बता रही क्यों ना नेम टैटू रुचिका बनाएगी, बाकी लाइन टैटू मैं बनाऊंगा, और बाकी के पोर्ट्रेट जो है बाकी ये पोर्ट्रेट मेरे से ऑलमोस्ट 4 या 5 पोर्ट्रेट गाइस पेंडिंग है मेरे अभी भी सिर्फ एक लाइन की वजह से, इसलिए मैं बोल रहा था कि ब्रेक लेते सर को भी ब्रेक मिलेगा और उसके बाद बाकी के पोर्ट्रेट भी स्टार्ट करते रहता हूँ साइड बाय साइड। ये है सर की चेयर, मैं अभी 15 मिनट के लिए अपने हफ्ते पे ले लिया मैंने सर। चार पांच चेन रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ सोने का दुकान लगूंगा। 5 मिनट में पहनता हूँ, उसके बाद 5 मिनट में पहन जाएगा। सर का टैटू स्टार्ट करते हैं। सर की ये मॉम है गाइस, ये आप देख सकते हो, इनके साथ एक सीन हुआ है और तो ये अभी सीन ये सर शेयर करेंगे कि मम्मी की जो आईज है ये क्या हुआ है। ट्रेन जोर से बोलोगे तो प्लीज, ट्रेन एक्सीडेंट में उनका आँख चला गया है पार्शियल। जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था जब उतरते हो राइट, उतरते हो हाँ, तो उतरते वक्त ही वो नीचे गिर गए एंड देन ये फोरहेड जो है वो वहाँ पे लग गया, तो उसकी वजह से वो जो उनकी आईज थी ये वन साइड ये वाली तो वो डैमेज हो गई। तो दिखा दो तो गाइस प्लीज सेफ रहो और संभाल के चलो, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी है ना, घर वाले भी इंतज़ार करते हैं आपके लिए, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड भाई कुछ नहीं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए और कुछ नहीं। बाकी सर आज मम्मी का फेस बनाने का रीज़न क्या है? उनका तो हमेशा से बनाने का था और 10th को उनका बर्थडे था, ओके ये वाले सेलिब्रेट था, हां हां, फिर टाइम नहीं मिला तो ओके ओके। तो क्या करते हो सर आप? आईटी कंपनी। आईटी कंपनी तो कहां पे रहते हो पापा? विक्रोली। तो मेरा वर्क कहां पे देखा? इंस्टाग्राम पे देखा। YouTube देखते हो सर? हां YouTube देखता हूं, कभी-कभी देखता हूं। तो अच्छी बात है। सो तो लाइक सो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं कार्टून। ओके सो गाइस फाइनली सर का टैटू कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखाया था गाइस, इट्स वेरी प्रीटी टैटू आ चुका है, मजा आ गया सच्ची बोले तो, बहुत इंटरेस्टिंग टैटू था। तो एक बार फर्स्ट क्लीन पे सर का रिएक्शन देखना चाहता हूं कि सर का तो कैसा लगा था। सर एक बार चेक करना मेरा, प्लीज बताना मुझे कैसा लगा था। अच्छा हां, बैक पेन हो रहा है गाइस, बढ़िया एकदम, यू आर अमेजिंग अमेजिंग, यस वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गिव मी हाई फाइव सर, थैंक यू सो मच। फाइनली ऐसा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है एंड देन थोड़ा सा बाहर जाता है क्योंकि बाहर की हवा खानी चाहिए। हाय 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 व्हाट अ क्लाइमेट गाइस, कितना मस्त लग रहा है। ये अभी भी वैसे ही काम बाकी है, ये काम कब करेंगे यार क्या बता, क्योंकि यहाँ पे 4-व्हीलर लगती मेरे क्लाइंट्स वगैरह की, तो इसकी वजह से बोल रहा था और कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पे अभी सर का अभी वीडियो लेंगे और इंस्टाग्राम के लिए भी और आपके वीडियो मतलब आप लोगों को देखने के लिए भी। दिस टैटू गाइस उनकी मम्मी का फेस तो ओवरऑल 3D लग रहा है, सो स्पेशली मैंने आईज में ब्लू किया है, रेड दिख रहा है आपको, ओवरऑल लिप्स वगैरह ओवरऑल डिटेल हेयर्स के भी लुक समझ में आ रहा है, मतलब लुक लाइक 3D लग रहा है। सो सर कैसा लगा टैटू? आउटस्टैंडिंग। यू हैप्पी? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। योर फर्स्ट टैटू या सेकंड टैटू? सेकंड। ओके दिस इज सेकंड टैटू, पर सेकंड टैटू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, स्पेशल है मेरे लिए। या ऑब्वियसली समझ सकता हूँ सर, थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे सर, मस्त लगा, अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा। अभी वन मोर टैटू अभी स्टार्ट करते हैं सर का। अभी मैं अभी ना पूरा फाड़ने वाला हूँ। क्यों मेरी फाड़ रहे हो? मैं इसी फाड़ चुकी हूँ। तारीफ हो जाए, बहुत अच्छा टैटू बना रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हो क्या
फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, जिंदे है, जिंदे है। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखाया था गाइस। बहुत बड़ा सेशन था, आई गेस 6 या 7 आवर्स लगे टैटू करने के लिए, पूरा दिन लगा। तो सर को बीच में ब्रेक भी दिया था, आपको पता ही है, भी बहुत सारे टैटू भी करा था मैं। तो शायद वो टैटू तो नहीं रहेंगे 2-3 इसमें से, क्योंकि पूरा दिन काम था, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, 30-40 मिनट का हो जाता, इसलिए मैंने 4-5 टैटू डिलीट कर दिए। तो वो डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे, तो वहाँ जाके भी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो टैटूज वगैरह डेली। तो यूज़र नेम है वहाँ पे महेश चौहान का, तो फॉलो करो, तो रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो एक बार चेक करना मेरे को, प्लीज़ कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। सीधे स्टार्ट हो गाइस, सो आप देख सकते हो ओरा, स्पेशली आईज देख सकते हो, एंड देन मूंछ, एंड देन पठान, यहाँ पे लिखा है पठान, एंड देन ये यहाँ पे भी देख सकते हो नोज। अच्छा मैं डिटेल में दिखा देता हूँ गाइस, डिटेल में भी देख सकते हैं एक एक हेयर्स कैसे मैंने किए हैं। पूरा 7 घंटा लगा गाइस ये टैटू बनाने के लिए, बड़ी मुश्किल से बनाया है क्योंकि सर को पेन बहुत हो रहा था, बट डेडली लग रहा है। अच्छा जो रिजल्ट आया, क्या बोलना चाहते हो सर? बहुत अच्छा लगा टैटू, यू हैप्पी? आउटपुट इज वेरी गुड। अरे सर थैंक यू सो मच, मैंने बहुत सफर का फल मीठा होता है। ओके सो गाइस जस्ट अभी फ्रेश हो गया, सारे टैटू खत्म हो चुके हैं, मम्मी भी आ चुके हैं, मम्मी वगैरह, मम्मी खाना निकाल है, खाना तो लेट हो गया, अभी क्या कर सकते, बहुत सारे अपॉइंटमेंट आप लोगों ने देखा यार, कितने सारे टैटू थे, कितना सारा हार्डवर्क था, समझ में नहीं आया। ऊपर से ये लाइट, ऊपर से पिंपल, ये पिंपल मतलब मेरे को गाइस इतना घर पे मच्छर काटा, सच बोलूं 2 दिन पहले मच्छर काटा, तो ये इसका राज है गाइस। तो ये मच्छर बाइट के बाद फिर ये पिंपल बन गया, पता नहीं क्यों, जो भी है जल्दी जल्दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक वीडियो देख लेते गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आज वीडियो एंड में कर रहा हूँ, गणेश बाहर गया इसलिए केक लेने गया है। तो गाइस लव यू गाइस, कीप रॉकिंग एंड जय शिवराय।